हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के। तो हम इस चैप्टर को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जिस पॉइंट ताकि हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लें, और इसमें हम ज़्यादा कहानी ना समझें, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे सारे टर्म्स को, और डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बनेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो समझेंगे विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये मान लीजिए एक वायर है, कॉपर और एल्युमिनियम जो भी है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चार्ज, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करती है, इसी फ्लो करने के रेट को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। इसको अगर हिंदी में प्योरली डेफिनेशन वाइज बताया जाए तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, ये विद्युत आवेश के प्रवाह यानी फ्लो की जो रेट है, दर है, उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा इक्वल टू होती है वही I इक्वल टू क्यू बाई टी। कैसे क्यू हमारा चार्ज है यानी विद्युत आवेश है, ये आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हो गया क्यू, और टी टाइम है। इसको ऐसे बोल सकते हैं एक एकांक टाइम में जितनी विद्युत आवेश प्रवाहित होती है एक एरिया में, पर्टिकुलर निश्चित एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं I यानी विद्युत धारा, करेंट। तो हम लोग याद रखेंगे दोस्तों I इक्वल टू होती है क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज अ विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड टी इज अ टाइम, I इज करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जो अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने के लिए, वो है विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से भी लिखते हैं। अब दोस्तों कूलाम क्या है, देखिए आवेश क्या है, आवेश एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक कूलाम इक्वल टू 6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा दोस्तों विद्युत धारा जो हमारा एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश, तो कूलाम हो गई। लेकिन विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो हम इसे, इसकी यूनिट जो होगी विद्युत धारा की, उसको हम एम्पियर बोलते हैं, यानी करेंट की यूनिट होती है एम्पियर। और करेंट की एम्पियर यूनिट को हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 या 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो हम इसको बोलते हैं 2 एम्पियर, क्योंकि यूनिट लगाना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। चावल भी खरीदने जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं 1 किलो 2 किलो, तो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही तो उसका भी कोई यूनिट तो होगा ना, वो एम्पियर है। और ये आवेश का SI यूनिट है, आवेश का कूलाम, कन्फ्यूज मत होइएगा।
आवेश का एसआई यूनिट एसआई कूलाम है और एक कूलाम इक्वल टू 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवेश एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो हम लोग अभी तक समझ चुके हैं एम्पियर क्या होती है, कूलाम क्या होती है, विद्युत धारा और सर्किट हम लोग समझ चुके हैं। ये जो हमारा सर्किट बनता है सर्किट, और हम लोग एक आई इक्वल टू एक फार्मूला भी दे चुके हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अभी तक हम लोग इतना समझ चुके हैं दोस्तों, जितना हम लोग समझें इस इतना ही, इसी बेस्ड पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। उसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, ओम्स लॉ पे जितने क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वो सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट 10 मिनट्स के लिए प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा यह ज्ञात करना। ये साफ साफ इसको मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोई एक बल्ब है ये बल्ब से 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट निकल रही है, ये फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है, 10 मिनट के लिए लगातार, मतलब 10 मिनट के लिए वो बल्ब जली रहती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण तो पूछा जा रहा, विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा, विद्युत आवेश। अब एक एक चीज हम लोग रिकॉल करेंगे दोस्तों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो जैसा मैं बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है आई से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो आवेश प्रवाहित होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इस बेस्ड पे हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें क्यू क्या है विद्युत आवेश और टी एक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम में जितने विद्युत आवेश प्रवाहित होती है किसी क्षेत्र में उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो ये दिया हुआ है फॉर्मूला और इसी फार्मूला पे ये बनेगा क्वेश्चन। देखिए विद्युत धारा कितना है 0.5 एम्पियर, ये विद्युत धारा 0.5 एम्पियर लिखते हैं इक्वल टू क्यू दिया हुआ, नहीं दिया हुआ क्यू, क्यू क्या होता है विद्युत आवेश, क्यू विद्युत आवेश है, क्यू नहीं दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 10 मिनट, क्यू 10 मिनट। लेकिन दोस्तों 10 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, क्यों करेंगे सेकेंड्स में कन्वर्ट, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको पहले सॉल्व कर लो तो उसके बाद देखेंगे क्यों हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 0.5 × 60। अब इसको 0.5 को हटा देते हैं, नीचे रख देंगे, 10 काट देंगे, ये 10 × 60 × 0.5, ठीक है। अब बचा ये 5 × 60 क्यूब इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 300। अब देखिए दोस्तों ये जो क्यू है, क्यू क्या हमारा आवेश है, और आवेश विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है कूलाम। तो ये 300 क्या हुआ, 300 कूलाम, क्यूब इक्वल टू 300 कूलाम, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कूलाम, यानी इतना विद्युत आवेश जो है प्रवाहित हो रहा था उस बल्ब से 15 मिनट के लिए 300 कूलाम खर्च हुआ। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो 10 मिनट को हम लोग क्यों करेंगे सेकेंड्स में कन्वर्ट,
तो सेकेंड्स में इसलिए कन्वर्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्स पर सेकेंड्स जो प्रवाहित होती है वो होती है। तो इसीलिए जब एम्पियर सेकेंड्स 1 कूलम्ब पर सेकेंड्स, जो 1 कूलम्ब पर सेकेंड्स प्रवाहित होने वाली को एम्पियर में होते हैं, तो इसीलिए जो हमारा ये एम्पियर में होता है इसलिए हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया कूलम्ब्स को, चार्ज को, चार्ज में जो टाइम दिया हुआ है इसी वजह से हमने कूलम्ब्स में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए दोस्तों कितना ईजी था, इसमें कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अगर लेकिन अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है और इसका SI यूनिट क्या होता है, इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये दिमाग में ये क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। इसीलिए मैंने पहले आपको विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट समझाया क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, फिर आपका एम्पियर क्या होता है और विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या होता है। इन सब चीज़ों को अगर समझ जाएंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देंगे आसानी से। इस न्यूमेरिकल के बाद जो अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, विद्युत विभव और विभवांतर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। उसके बाद ओम्स लॉ देखेंगे और ओम्स लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। मुझे आशा दोस्तों ये जो मैंने न्यूमेरिकल बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा। इसके अलावा अगर समझ में आ रहा है दोस्तों आपको तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप शेयरिंग एंड केयरिंग, तो सब्सक्राइब करें उससे हमारा भी थोड़ा केयर हो जाता है। तो दोस्तों इसी बातों को विराम देता हूँ, अपनी बातों को इसी बात को बोल के, और मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट पार्ट में विद्युत विभव और विभवांतर लेकर आता हूँ और इस पे न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, ताकि आप इस तरह 2-3 पार्ट में मैं विद्युत चैप्टर ख़त्म कर दूँ और इस पे कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल्स मैं बनाऊँगा। तो आप ज़रूर लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमें पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।